आनंद विहार के हालात कुछ ऐसे हैं, अभी पूरा आनंद विहार पैक है। अभी तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ आनंद विहार पे, और आनंद विहार पे मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ किसी का। और यहाँ पे ना पाँव रखने की भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। मैं तो अभी ये कोई सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, उसके बाहर पे बैठा हुआ हूँ और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे अभी। तो अभी समय हो चुका है 12:30 करीबन हो चुके हैं रात के, और मैं भी खड़ा हूँ हाईवे के बीच में। और हम लोगों का प्लान कहीं जाने का बन रहा था, प्लान तो ऐसे कहीं और जाने का था, और हम अभी कहीं और को जा रहे हैं फिलहाल। कहाँ जा रहे हो कल जाके पता लगेगा। ये अपनी गाड़ी है और अपने साथ में कुछ भाई लोग हैं, ये हेमू भाई है, इधर दीपू भाई है, और ये है गौरव। तो हमारा प्लान कहीं और जाने का बन रहा है, और कल वहाँ पे पहुँच के ना लोकेशन पे जाके ही वीडियो की शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए आराम से सो जाता हूँ, आप भी सो जाइए, बाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इस पावन गंगा से। मैं हूँ अभी हरिद्वार पे। बहुत ही अचंभनीय बात है कि कल मैं था दिल्ली में और अभी मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार पे। ये कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली मेरे दोस्त थे जिनके साथ मुझे आना था, उन्होंने कहा कि यार घर को तो जाएंगे हम अपन लोग, मेरा प्लान वैसे घर को जाने का था। उन्होंने बोला कि हमें ना पहले हरिद्वार जाना है, कुछ काम करना है हरिद्वार में, गंगा स्नान करना, उसके बाद चलेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा पे, और अभी हो रहा है समय 4 बजे हुए हैं, और अभी यहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करेंगे भाई लोग अपने, फिर उसके बाद हम लोग घर को चलेंगे। तो ऐसा कुछ सीन बना हुआ है, तो चलिए फटाफट स्नान करते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं घर की ओर को। तो जी अभी अपन लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और साथ में चल रहा है फ़ैन के मज़े, और चाय फ़ैन के मज़े सब लोग यहाँ पे लेट के ले रहे हैं। ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है गंगा किनारे पे, तो चाय और फ़ैन के मज़े ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं ना, मेरा विचार तो था घर को जाने का, और हेमू भाई लोगों के कारण मैं अभी पहुँच गया हरिद्वार पे। और हरिद्वार पे भी ठीक सुबह की आरती होने जा रही है। समय की मैं बात करूँ, समय हो चुका अभी यार सामने पर, आप लोग देख रहे होंगे समय 6 बजने वाला है और सुबह की आरती शुरू होने वाली है। शाम की आरती भी इसी समय पे होती है। शाम की आरती अक्सर मैं यहाँ पे आया करता था पहले से देखने के लिए, आज शायद पहली या दूसरी बार मैं सुबह की आरती में पहुँचा हूँ, और काफ़ी सारे भक्तगण आसपास में पूरे बैठे हुए हैं, और ठीक सामने पे ही आज सुबह की माँ गंगा की आरती होने जा रही है। तो चलिए थोड़ी देर बाद माँ गंगा की आरती को भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जी हमने अभी सुबह के 6 बजे की गंगा आरती यहाँ पर देखी, और गंगा आरती देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस
अपने गाड़ी की ओर को, उसके बाद चलते हैं वापस घर की तरफ को। तो कुछ ऐसा सा सीन, जाना था जापान, पहुंच गए हिंदुस्तान वाली जो बात थी वही मेरे साथ भी हुई, जाना मुझे कहीं और था और मैं पहुंच गया गंगा आरती देखने के लिए यहाँ पे। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है, माँ गंगा का बुलावा आया होगा इसीलिए मैं यहाँ पे पहुंचा। अभी यहाँ से वापस पार्किंग स्लॉट पे जाते हैं और अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और आगे की सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे की सफ़र की शुरुआत करते हैं और आप लोगों से बहुत सारी बात करते हैं। हेलो इंटरनेट, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम हरिदर्शन थापा और आप लोग का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में और स्वागत है आप सभी का माँ गंगा के इस पावन धरती से। हरिद्वार पर मैं अभी खड़ा हूँ देवभूमि के इस बहुत बेहतरीन से जगह से। तो अभी मैं चल रहा हूँ वर्क के वापस से जैसे मिला पार्किंग स्लॉट की ओर को, उसके बाद मुझे जाना है हल्द्वानी को। जैसा यहाँ से भी प्लान बन रहा है कि हल्द्वानी से हम जाएंगे वहाँ से घर की ओर को। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में जो कुछ भी होता है हमारे साथ वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं रोड्स के सफ़र के साथ में। तो अभी चलते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं काशीपुर के पास में और थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं नाश्ता पानी, उसके बाद बढ़ेंगे आगे को। तो देखते हैं नाश्ते में क्या क्या मिलता है। फिलहाल यहाँ पर गए हैं तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया अपना नाश्ता, पराठे और चाय। तो सुबह से हम लोग चलते सह रहे थे और चलते चलते अभी हम लोग कैंची धाम से थोड़ा सा आगे पहुंच चुके हैं खैरना गर्म पानी के साइड में। और यहाँ पर ना बहुत लंबा जाम लगा, लगभग हमें एक घंटा करीबन हो चुका है यहीं पर फंसे हुए हैं। बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है, मतलब आज क्योंकि दिवाली के अवसर पर सभी लोग जो भी बाहर पर काम करते हैं वर्क करते हैं वो लोग अपने गाँव घरों की ओर वापस आ रहे होते हैं। उसके साथ में कई नंबर ऐसे भी हैं जैसे कि HR की गाड़ी है तो HR वाले लोग भी हैं हरियाणा से जो घूमने आ रहे हैं, दिल्ली से घूमने आ रहे हैं, दिवाली पहाड़ों में सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी अब 10% बची हुई है, तो शायद होता है रास्ते में अगर कुछ तो वो दिखा पाएंगे, अन्यथा फिर घर जाके आप लोगों से मुलाकात करेंगे।